तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1.5 का हम कर रहे हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ मूल और फिर इन सवालों को करते कैसे हैं उसके बारे में। मूल, जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास एक्स के ज़्यादातर समय दो वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है। जो एक्स इक्वल टू दो वैल्यू आता है और इन दोनों को ही हम कहते हैं मूल, मूल या रूट कहते हैं। ये दोनों अब डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे कि इन दोनों की प्रकृति जो है वो कैसी होगी, मतलब ये प्लस होगा माइनस होगा या फिर कुछ और होगा। हाँ, तो अब जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला पता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जब भी मैं बात करूँ इस रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं या फिर जो भी वैल्यू रूट के अंदर दिया हुआ है इसके बारे में, अगर कभी आपको माइनस कोई नंबर हो और वो रूट के अंदर हो तो इसका वैल्यू हम नहीं पता कर पाते, तो इसको एक नाम दे दिया गया है, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, आभासी संख्या जिसका मान हम नहीं निकाल सकते या फिर इसको अवास्तविक या वास्तविक संख्या नहीं है इस तरह से बोलते हैं। और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो रूट के बाहर हैं तो उनका वैल्यूज़ हम किसी तरह से प्लस या माइनस करके निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस में वैल्यू होगा या माइनस में वैल्यू होगा। ओके, तो सारा चीज़ डिपेंड करता है ये रूट के अंदर जो नंबर है उस पर कि वैल्यू रूट के अंदर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जब रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम किसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर नेगेटिव होगी तो हम वैल्यू उसका नहीं पता कर सकते और उसे हम वास्तविक संख्या नहीं बोलेंगे। तो यानी कि हमारा जो वास्तविक और अवास्तविक संख्या मान जो आएगा x का वो डिपेंड करता है सिर्फ इतने पे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे। अब ये तीन तरीके कंडीशंस होते हैं इसको लेकर के, या तो इसका वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो के बराबर होगा या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो से कम होगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब जीरो से बड़ा होगा यानी कि इसका मान पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, तब यहाँ पे x के दो जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी कि x के जो दो वैल्यूज निकलेंगे वो दोनों ही वास्तविक संख्याएं होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, रूट वाला नंबर भी अगर होगा तो वो रूट में पॉजिटिव नंबर होगा, उनको वास्तविक संख्या बोलेंगे, मगर दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहीं पर जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आता है तो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है, दोनों का मान जो है वो, दोनों मूलों का मान जो है वो बराबर आएगा। अब कंडीशन आता है इस पर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है अगर जीरो से कम होगा, जीरो से कम होगा यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगा और रूट के अंदर चूंकि ये वैल्यू रहता है तो इसलिए नेगेटिव भी रूट के अंदर चला जाएगा जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये वास्तविक नहीं होगी, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से कम रहता है तो ये वास्तविक नहीं होगा और समान भी नहीं होंगे, ठीक है, ना मूल वास्तविक होगा ना ही समान होगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मूलों की प्रकृति किस तरह से पता करेंगे। तो मूलों की प्रकृति पता करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स
प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अभी ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, इसको पता करने के लिए आप एक काम कीजिएगा, ठीक नीचे इसके तरफ ये वाला इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिख लीजिएगा और कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर दोनों में है, ए के जगह पे क्या है टू, यानी कि यहाँ पे ए बराबर टू है, बी के जगह पे बी बराबर क्या है सेवन है, और सी बराबर क्या है थ्री है, सी बराबर थ्री है। तो ए बी सी का तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी इसके जो दोनों मूल हैं वो कैसे होंगे, बस इन तीनों को पता करके, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू देख करके, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी, देखते हैं ये कैसा आता है। तो बी स्क्वायर यानी सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए यानी टू सी यानी थ्री, ये हो गया 49 माइनस चाहती है 12 यानी 24, ये कितना आता है 25। तो देखिए और इसका मान क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा है, ठीक। तो 25 इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इसीलिए मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। बस ये लिख करके हमें खत्म करना है। मूलों की प्रकृति, इसके मूल की प्रकृति क्या है, तो वास्तविक है, दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल असमान होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऐसा है, ठीक, यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ ध्यान रखिए सब प्लस है, ठीक है। तो अब ए बराबर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, ए बराबर है तीन, बी बराबर क्या है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो बी बराबर जो भी आएगा वो माइनस टू रूट सिक्स होगा, और प्लस सी की जगह पे क्या है टू है। अब फॉर्मूला वापस से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करते हैं, तो ये हो गया माइनस टू रूट सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए थ्री सी टू। अब माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये हो गया टू का स्क्वायर फोर और रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, तो फोर सिक्स छः चौक चौबीस, माइनस चार तिया बारह दुनी चौबीस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया ज़ीरो। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या हो गया ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पे मूल क्या होंगे, वास्तविक होगा और समान होगा, ओके। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। नेक्स्ट करते हैं वापस से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए बराबर टू, बी बराबर माइनस सेवन और सी बराबर नाइन। तो यहाँ पे अब फिर से वापस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी माइनस सेवन स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू नाइन, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस यानी सात का स्क्वायर कितना जाएगा 49, माइनस चार दुनी आठ और नौ है 72। अब माइनस करते देखिए जो भी वैल्यू आएगा इसमें क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो गया 23 माइनस में, तो यहाँ पे ये जो माइनस 23 आया है वो क्या है ज़ीरो से कम है, ठीक है, माइनस 23 ज़ीरो से छोटा है। तो यहाँ पे मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं अब चार नंबर, यहाँ पे वापस से फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, कंपेयर करते हैं, ए बराबर हो गया दो बटा पाँच, बी बराबर हो गया माइनस दो बटा तीन, सी बराबर वन। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करना है, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस टू बाय थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू बाय फाइव इंटू वन, अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया चार बटा नौ माइनस यहाँ पे चार दुनी आठ बटा पाँच, यहाँ पे अब एलसीएम लेकर के कर लेते हैं, तो ये हो गया नौ पचे पैंतालीस, बीस माइनस
72, तो यहाँ पे वापस से देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, माइनस 52/45, तो ये क्या है, जीरो से छोटा है, तो माइनस 52/45 इज लेस देन जीरो, तो इसीलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। ओके, तो ये हमने किया। अब करते हैं अगला, दो नंबर। देखिए, के का मान निकालना है जिसके लिए ये द्विघात समीकरण जो है इसके दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और मूल समान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ही मूल जो है वो वास्तविक और समान होंगे, यानी हमें चेक करना है कि इतना बराबर जीरो आता है या नहीं। ठीक है, तो इतना बराबर जीरो करके ही हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पे फिर से वापस से हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, 49, b बराबर क्या है, k है, और c इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, यहाँ पे ये लिख करके k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो b b की जगह k है, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 49 इंटू सी इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे k बराबर 4 इंटू 49, गुना करने नहीं जाएंगे। ठीक है, k स्क्वायर बराबर इतना हो गया। यहाँ पे k इक्वल टू रूट 4 इंटू 49, 4 का रूट क्या होता है 2, 49 का रूट क्या होता है 7, तो k इक्वल टू क्या हो गया 2 × 7, यानी k बराबर 14, के का मान निकल गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे भी के का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ए बराबर डायरेक्ट अब देखते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3, बी इक्वल टू क्या है माइनस 5, और सी इक्वल टू क्या है 2k। ठीक है, सी का मान यहाँ पे पूरा है। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 5² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2k इक्वल टू 0, ये हो गया 25, माइनस 4 × 12 = 24 के इक्वल टू 0। यहाँ से k को लेके चले जाते हैं उस तरफ, तो ये हो गया प्लस में हो जाएगा, तो 24k इक्वल टू 25, और k इक्वल टू 25/24, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए फिर से वापस, a इक्वल टू क्या है 9, b इक्वल टू माइनस 24, और c इक्वल टू है k। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, ताकि याद हो जाए। और ये लिखना अच्छा भी है, आपका पेपर जो है वो अच्छा लगेगा देखने में, और जो चेक करेंगे पेपर उनको भी पता रहेगा कि आपको पता है कि आप जानते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a इक्वल टू 9 है, और c इक्वल टू k है इक्वल टू 0। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का होता है 576, और ये हो गया माइनस 9 × 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से k को उधर लेके जाएंगे, तो 576 इक्वल टू 36k। यहाँ पे k बराबर क्या हो गया, k आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे 576/36 काट देते हैं, देखते हैं 6 से कटना चाहिए, 6 × 36, 6 × 48, 6 × 9 = 54, 3 × 6 = 36, फिर 6 से कटना चाहिए, 6 × 6 = 36, 16। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो गया 16, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ये फिर से वापस, a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है, b इक्वल टू 3 है, और c इक्वल टू k है। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इस पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू 0, यहाँ हो गया 9 माइनस 8k इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 8k
और यहाँ से k इक्वल टू क्या जाएगा 9/8, ठीक है, और ये हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए x के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 1, कुछ नहीं मतलब 1, और b का वैल्यू x को छोड़ के जो भी लिखा है वो सब b है, ठीक है, x को छोड़ के जो भी लिखा है यानी -2y + 2k, ये पूरा ही b है, और c बराबर क्या है, ये पूरा 3 × 7 + 10k = 0, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है, अच्छा यहाँ पे b का वैल्यू, b को कर देते हैं पूरा कंप्लीट, ये हो गया -10 - 4k, और यहाँ पे c को भी कर देते हैं 21 + 30k, हाँ इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है, तो ये c का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया। तो अब फॉर्मूला b² - 4ac = 0, तो बी स्क्वायर यानी -10 - 4k² - 4 × a हो गया 1 × 21 + 30k = 0। अब इस पे सॉल्व करते हैं इसको a² - b² के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 a² - 2 × -10 × 4k + 4k² माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 84 और प्लस माइनस माइनस जाती है 12 120k = 0। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे माइनस नहीं लिया, तो मैंने इसको पूरा a पकड़ लिया और माइनस ये पूरा b पकड़ लिया, इसीलिए a की जगह पे क्या है -10 है और b की जगह पे क्या है 4k, तो ये हो गया 100 और माइनस माइनस प्लस ये 20 और 20 + 80k + 16k² - 84 - 120k = 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 16k² + k, तो ये हो गया -40k और ये +84 और 16, ठीक है, = 0। तो यहाँ पे इसे देखिए 4 4 8 कॉमन है, ठीक है, 8 निकाल लेते हैं बाहर, तो 8 × 2 = 16, 2k² - 8 × 5 = 40 और ये +8 × 2 = 16 = 0, तो ये 8 जाएगा 0 के पास डिवाइड में, तो ये हो गया 0, तो बचा क्या 2k² - 5k + 2 = 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर है, तो 2k² - 4 + 1k + 2 = 0, 2 को 2 से गुना किए 4, 4 प्लस 1 होता है 5, तो ये हो जाएगा 2k² - 4k - k + 2 = 0, यहाँ से 2k कॉमन, बचा क्या k - 2, यहाँ पे -1 कॉमन, k - 2 = 0, और k - 2 बाहर 2k - 1 = 0। अब करेंगे आइदर k - 2 = 0, तो k बराबर 2 और 2k - 1 = 0, 2k = 1 और k = यहाँ पे क्या आया 1/2, ठीक है, तो यहाँ से हमें k के दो वैल्यू मिले, तो k क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 1/2 होगा, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, ये a है, ये b है और ये c है, तो a = क्या है 3k + 1, b = है 2k + 1 और c = है k, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये हो गया 2k + 2
अब फॉर्मूला करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 2k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k प्लस 1 इंटू k इक्वल टू ज़ीरो। अब फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है, दो दिन चार दिन 8k प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं माइनस 4k इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। इसको एक स्टेप के बाद सॉल्व करते थे, ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस चार दिया 12k स्क्वायर और माइनस 4k इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है k स्क्वायर, यहाँ पे भी k स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8k स्क्वायर। अच्छा ये हो गया माइनस नहीं प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे k स्क्वायर का वैल्यू जो है वो माइनस में है, प्लस कर लेते हैं तो सबको सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस सब में से कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 4 चला गया 0 के नीचे डिवाइड में तो वो गया 0। अच्छा अब ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो ये सब क्या हो जाएगा माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे ये भी माइनस। ओके तो अब हम करेंगे यहाँ पे क्या 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, 2k स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 के माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस और ये माइनस के हो गया प्लस, अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2k कॉमन तो बचा क्या k माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन तो k माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया ये k माइनस 1 और ये 2k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब आइदर k माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो तो k इक्वल टू क्या आ गया 1, और 2k प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो 2k इक्वल टू माइनस 1 k इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पे k का वैल्यू ये हुआ और ये हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे क्या होगा k इक्वल टू या तो 1 होगा या तो माइनस 1 बाई 2 होगा, ये हो गया हमारा आंसर। ओके अब बाकी के सवाल हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।